People waver. to this special episode of angel tv namaskar Angel tv we've been talking about for a few weeks now about the subject of the spirit and power of elijah last week we continued with the subject of talking about the harvest revival that comes with the spirit and power of elijah we spoke from James, the fifth chapter. We talked about how the Bible says Elijah was a man like us. That we're not just to put Elijah on so high of a pedestal, but we're actually to relate to Elijah as a man.

if you pray, if you repent and humble yourself, then the Lord will hear your prayer and answer from heaven. Humility, repentance, righteousness was required. But we need to be fervent in our prayers.

जब परमेश्वर ने तीन साल के लिए अकाल जब इसराइली प्रदेश में भेजा था वो अभाल के विरोध में वो परमेश्वर का न्याय था so, और यही ये का समय का समय है They will speak by the of God परमेश्वर की से बात करेंगे They will be और वो पूरी रीति से बेदारी में फसल काटने में और खोए हुए लोगों को बचाने में शामिल होंगे साथ ही साथ आने वाले परमेश्वर के न्याय के विषय में बात करेंगे पिछले हफ्ते इस संपूर्ण याकूब पांचवे अध्याय के संदर्भ विषय में हमने बात किया The context ultimately is the harvest at the end of the age. We're going to continue with verse 9 here today. James said, Do not grumble one against another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door.

और बाइबल हमें बताता है कि वो पहली आई भी उस बरसात की आने वाली सिर्फ बेदारी को ही नहीं पाएंगे उस प्रकार की जैसे पौलुस या पत्रस जो पहले सदी की कलिशा के उन बेदारियों में कार्य किए हैं There was a that was और बड़े एक फसल वहां पर काटा गया है and in the उसके बाद कलिशिया एक अंधकार के युग में चला गया है But the Lord he'll the rain as well. और परमेश्वर साथ साथ वायदा देता है कि आने आने वाले वाले समय समय की बरसात बरसात के के बारे में। पर आप और हम हैं परमेश्वर कहता है धीरज रखें। क्योंकि उनकी इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो This is why it takes so long. इस वजह से ये इतना लंबा समय ले रहा है क्योंकि an बहुतों को वो मौका दे रहा है ताकि वे अपने पाप से मन फिरें और परमेश्वर को ग्रहण करने में आ जाएं। But I want you to hear and I want you to see the urgency in James's words. मगर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि याकूब के यहां पर कई इन शब्दों में उस जरूरतमंद को जो जल्दबाज को ध्यान दें। it says in verse 8 behold the lord is at hand 8 पद में कहता देखो परमेश्वर की आना बहुत ही जल्द है in verse 9 it says he says behold the judge is standing at the door 9 पद में देखता है कहता है कि देखो न्याय करने वाला द्वार पे खड़ा है there's passion there's fire in what james is saying here याकूब जिस विषय में कह रहा है उसमें एक बड़ी जोश है वहां पर एक बड़ी आग है I believe that the Lord allowed James to receive his heart on this matter. और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने याकूब के हृदय को इस विषय के ऊपर उन्हें ले आया है वो आत्मा उन्हें दिया है. I believe James was touched in his heart with the reality that many people are not going to be ready. और मुझे विश्वास है याकूब उस हकीकत के द्वारा उसके हृदय से भर गया है कि उसकी आगमन में बहुत सारे लोग तैयार नहीं होंगे.

और कहता है मौका तुम्हारे लिए भी है अगर आप तुम पाप में चलते रहोगे और पाप के वो शरीर के अनुसार कार्य करोगे तो तुम पर भी दोष लग सकता है He said, "Live like the judge is standing at the door." कहता है कि ऐसा जीवन व्यतीत करो कि जैसे न्याय करने वाला तेरे द्वार पर ही खड़ा है. As he is, the judge is at the door. हाँ, वो सचमुच है. वो न्याय करने वाला वो द्वार पर ही कड़ा है. Now the scripture is वचन बहुत ही सुंदर है.

वो प्रेमी दयालु पिता है वो विश्राम का परमेश्वर है। हम इस हकीकत में जीना जरूरी है कि वाकई में परमेश्वर क्या है हर पहलू में एज according to टू Word ऑफ गॉड जैसे उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को प्रकट किए हैं

There's suffering that's directly tied to this patience. Whether it's people making fun of you, calling you a religious nut, or it's the real suffering that happens around the world as many Christians are martyred and persecuted waiting for the Lord. या वाकई की सत्ताव जो संसार भर में मसीहत के लिए हो रहा है मसी लोगों के लिए हो रहा रहा है, है। है। जिनको शहीद किया जा होने का ये सब एक भाग है। you wait for the Lord to his आप धीरज दर के इंतजार करते कि परमेश्वर दिया हुआ वा अपने वायदे को निभाने पाए the Lord says, is mine. क्योंकि परमेश्वर कहता है बदला तो लेने मेरा है the day of his परमेश्वर का बदला लेने का दिन आने वाला है परमेश्वर परमेश्वर जरूर आप the Lord will right. पर जरूर आपके लिए न्याय चुकाएंगे। सब बातों को सुधारेंगे चाहे हमारे इस जीवन काल में हो या आने वाले समय पर एक्सेप्ट लॉर्ड ये परमेश्वर पर है you give it to him. हम उसे दे देते हैं But James reminds the believers of prophets that have gone before them as an example. He says in verse 11 Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. ग्यारहवें पद में देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं तुमने अयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है अयुब की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो बाइबल के अंदर है It's a story that shows how God intentionally let Job go through persecution. It doesn't just say that God let Job go through it, he actually sanctioned it. So, in other words, God allowed Job to go through it. और इसके दूसरे शब्दों में कहा जाए परमेश्वर ने अनुमति दिया अय्यूब के जीवन में आने के लिए. In other words, God was responsible for Job's hardships. या दूसरे शब्दों में कहा जाए परमेश्वर ही अय्यूब के दुख उठाने के जिम्मेदार है. That can be very very hard for some Christians to grasp. बहुत सारे मसीहियों के लिए इसे ग्रहण करना बहुत ही कठिन हो सकता है.

जैसे पौलुस कहता है कि हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ाएं जो हमारे लिए परमेश्वर ने हुआ है। जो कुछ अपने जीवन में अभी आता हो सब आप हो उस वजह के लिए कि जो आनंद परमेश्वर ने हमारे लिए हुआ है। breath, जो जीवन आपका इस पृथ्वी पर है एक सांस के समान एक भाप के समान है अपने हृदय को अनंत चीजों पर लगाए you know, well, we कुछ से मैंने सुनाया जो कहते हैं, हम के के ऊपर ऊपर नजर नजर नहीं, मगर एशु के लगाते नॉट मगर हमें याद रखना होगा कि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है time. To what Job went through thousands of years earlier. James is saying that as God gave grace to Job to persevere and endure, so God is giving grace to the church of Jesus Christ to persevere and endure. कहना चाहता है जैसे परमेश्वर ने के अनुग्रह दिया ताकि वो उसमें लगे रहने पाए और सह सके वैसा ही परमेश्वर कलिशा को भी आज अनुग्रह देता है ताकि इसमें आप लगे रहने पाए। बारहवे पद पर है मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ शा, ना खाना ना स्वर्ग की ना पृथ्वी की ना किसी और वस्तु की पर तुम्हारी बातचीत और नहीं की नहीं हो कि तुम दंड के योग्य ना टहोन एक और बार यकूब के शब्दों में वो जल्दपन को देखिए

मगर याकूब कहता है कि हम ऐसे जीने पाए कि वो कल ही होने वाला है सकता है आप में से कुछ लोग याकूब के ऊपर यह कहने पाए कि वो डराने वाली बातों का इस्तेमाल कर रहा है रिमेंबर दिस इज नॉट जेम्स इज दिस इज होली स्क्रिप्चर इंस्पायर द स्पिरिट ऑफ गॉड मगर याद रखिए ये याकूब की शब्द नहीं है मगर पवित्र आत्मा की द्वारा प्रेरणा दिया गया पवित्र आत्मा का वचन है यह परमेश्वर का ऐसा वचन जिसमें कोई जो है झूठ नहीं है जिसमें कोई बुरा नहीं है James, you know, ये ऐसे कोई याकूब जो धार्मिक के अनुसार अपने डराने वाली तरीकों का इस्तेमाल कर रहा हो It's God who's speaking these words, saying, Walk in the fear of God. There's some people that will only be inspired by fear. So much of the church today just wants to use, I don't know, what you might call love tactics. आज ऐसे बहुत सारे कलिशा हो गया है जिसे आजकल कहते हैं कि एक प्रेम की तरीके हैं nice मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस प्रकार के एक सही जो चुपड़ी चौप वाली बातों में बहक नहीं जाते हैं उनके लिए कुछ बोध नहीं आता है I say, the full मैं कहता हूं कि संपूर्ण सुसमाचार की प्रचार करी I say, tell about the love of Jesus. मैं कहता हूं कि आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को बताएं

Christianity is real simple. Masiyat bahti saral hai. James says, let your yes be your yes, your no be your no. Yaakub kaitay ki tere haan haan pe ho, tere naa naa pe hone paay. Mean what you say and say what you mean. Jo tum matlab rakhte ho, wohi bole, aur jo bolte usme matlab rakhna. Amen. Amen. Let's pray. Aayin prathna kare. Father, we thank you for the opportunity to open up the word of God here today. Prabhu, is moake klie dhania baad ki aap ne diya ki aaj is wachan ko am khulne paaye.

This word is able to save us if we receive it and we hear it. Let us do what James exhorted us to, Lord, not just to be hearers of the word, but doers of the word. Help us to live every day ready, Lord the coming of the lord is at hand the judge is standing at the door thank you lord in your name amen god bless you guys thanks for joining me for this special broadcast today on angel tv angel tv will be back, back next week talking about this subject some more अगले हफ्ते फिर से आएंगे इस विषय पे और ज्यादा बातचीत करेंगे we'll see you then. तब तक हम आपसे मुलाकात करेंगे इफ यू आर बाय दिस प्रोग्राम प्लीज थ्री टेस्ट मनीज एंड फीडबैक्स टू एंजल टीवी दिल्ली वाकम चेन्नई सिक्स जीरो 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 फोर नाइन तमिलनाडु इंडिया और ईमेल आई डी एस प्रोग्राम डॉट हिंदी एट एंजल टीवी डॉट ओ आर जी इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए एंजल टी वी चेन्नई छून्य शून्य शून्य चार नौ तमिलनाडु भारत हमारा ईमेल आईडी है प्रोग्राम डॉट हिंदी एट एंजल टी वी डॉट ओ आर जी